बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों की बायोलॉजी की टीचर और मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ रिटन वर्क ऑफ बायोलॉजी फॉर ग्रेड 8। लेकिन बायोलॉजी के रिटन वर्क को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि रिटन वर्क के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। ओके, तो आप लोग को जो मटेरियल चाहिए वो है ब्लू मार्कर फॉर हेडिंग, ओके, ब्लैक मार्कर फॉर वर्ड्स हाइलाइटिंग, ब्लू पेन फॉर एक्सप्लेनेशन, पेंसिल एंड रूलर फॉर मार्जिन लाइंस एंड फिनिशिंग लाइंस। इसके साथ आप लोग को इरेजर भी चाहिए और कंपास भी चाहिए। कंपास से आप लोग क्या करोगे, आप लोग माइंड मैप्स बनाओगे। हर एक क्वेश्चन के साथ माइंड मैप होगा। माइंड मैप जो है वो आप लोग के सारे क्वेश्चन की समरी होगी और उससे आप लोग को सारा क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन हो जाएगा जब आप लोग माइंड मैप को देखोगे। ठीक है, जब आप लोग अपनी कॉपी का बिल्कुल फ्रंट पेज ओपन करोगे तो आप लोग के कॉपीज पर जो चीज़ें होगी, ठीक है, तो वो आप लोग कंप्लीट करोगे तो वो कौन सी चीज़ें है, लाइक द फर्स्ट वन इज सीरियल नंबर। तो आप लोगों ने सीरियल नंबर लिखना है पहले। इसके बाद नेम, यहाँ पे मैंने लिखा है मिस साइका, लेकिन आप लोग अपना नेम राइट करोगे। ओके, देन क्लास, क्लास इज 8। सेक्शन आप लोग मेंशन करोगे, मैंने एम लिखा है, आप लोग बी सेक्शन के हैं, एल सेक्शन के हैं, एम सेक्शन के हैं, या गर्ल सेक्शन में, कोई एस सेक्शन में है या ए सेक्शन में है, तो यहाँ पर सेक्शन मेंशन करेगा। ओके, या करेगी। सब्जेक्ट जो है वो आप लोग का बायोलॉजी है, ब्रांच जो है वो चार सद्दा ब्रांच है, सेशन 2020 to 2021। ओके, टीचर नेम, तो आप लोग का जो टीचर होगा, मैंने यहाँ पे मिस साइका लिखा है, लेकिन डिफरेंट सेक्शंस के डिफरेंट टीचर्स होते हैं, तो आप लोगों ने अपनी टीचर का नाम जो है वो राइट करना है। ओके, नेक्स्ट पेज पे आप लोग मार्जिन लाइंस लगाओगे और बिल्कुल उस पेज को आप लोग डेकोरेट करोगे। तो फर्स्ट आप लोग राइट करोगे कोर्स कॉन्टेंट्स फॉर मिड टर्म एग्जाम। ओके, देन चैप्टर 1, डेट इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, एंड देन चैप्टर 2, डेट इज सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो आप सबके पास कॉपीज भी होनी चाहिए, स्टेशनरी भी होनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को रिटन वर्क स्टार्ट करवाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।